एवरीथिंग चेंज बट नॉट चेंज योर थॉट प्रोसेस. आप सब कुछ चेंज करते हो लेकिन अपनी सोच को चेंज नहीं करते. और जो आदमी सोच को चेंज नहीं करता ना, वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाता. आप देखो पिछले कई सालों से, 30-40-50 सालों से क्या कर रहे हैं हम. हमने घर को चेंज किया कि नहीं किया? घर को चेंज किया. पहले घर कैसे होते थे 30-40-50 साल पहले? कच्चे घर होते थे. अभी हमने क्या किया, पक्के घर में आ गए. चेंज हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद कपड़े पहले कैसे पहनते थे, धोती होती पहनते थे 30-40-50 साल पहले? तो हमने चेंज किया. अपडेट हुए कि नहीं हुए बताओ. अरे हाँ ना तो बोलो. Yes. खाना चेंज हुआ? Yes. पहले कचौरी पकौरी मिलती थी. Yes. हैं? लेकिन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? धीरे yes. धीरे सब चीजें चेंज हो रही है. टीवी चेंज हो गया? Yes. पहले कौन सा टीवी आता था? ब्लैक एंड वाइट. और उसमें भी पता है शटर वाला आता था, ताला लगता था उसमें. Yes. है ना, बापू ताला लगा के बंद कर देता, बोला देख ना ले कोई. और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में चेंज हुई है. फोन, पहले फोन कौन से थे? हाँ, और उससे पहले कौन से थे? अरे बहुत पहले, 50 साल पहले कौन से फोन थे? है? अरे टेलीफोन कबूतर नहीं था पहले? वो भी तो टेलीफोन ही था. कबूतर के पर्ची बांध के लटका देते थे, कबूतर जा. था कि नहीं था? और ऐसे पहुंचाते थे संदेशा. और अब धीरे धीरे फोन चेंज हो गया कि नहीं हुआ? और फोन चेंज हुआ तो ऐसा हो गया कि धीरे धीरे करके चेंज होते होते आज ऐसा फोन आ गया. पहले आप लोगों ने शायद 2007-08 में फोन लिया होगा तो कौन सा था? कीपैड वाला था. और अभी अभी सबके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है? तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब इन्होंने, आप सब ने चेंज किया इन सारी चीजें. एजुकेशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पूरा चेंज हुआ. पहले वैदिक पढ़ाई करवाते थे और अभी अभी बीटेक, मेडिकल हैं, सारी ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ होती है. सारी होती कि नहीं होती? तो बोलते ना कि मोर चेंज मोर चांस नो चेंज. ये आपने सुना कि नहीं सुना? सुना है आपने, सबने सुना है. लेकिन चेंज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं. तो हमें चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? देखो आप देखो, एक समय ऐसा था, आप मोबाइल का उदाहरण ले लो, नोकिया चलता था. एक समय ऐसा था कि नोकिया, ब्लैकबेरी, सोनी रिक्शन, ऐसे फोन थे कि नहीं थे? अब आज क्या उनको पता नहीं था कि आने वाला टाइम कौन सा है? पता नहीं था? पता था, लेकिन उन्होंने किया नहीं. जो नहीं करेगा वो मार्केट से आउट हो जाएगा. और सबसे फेमस गाड़ी हुआ करती तो उस समय नेताओं की, हीरो की, कौन सी? एम्बेसडर. क्योंकि ना तो पलटी खाती थी वो, बहुत बढ़िया दमदार गाड़ी होती थी, अच्छी भी लुकिंग वाइज. लेकिन चेंज नहीं किया तो आज मार्केट से आउट हो गई. बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप को चेंज नहीं करने की वजह से मार्केट से आउट हो गए. आज अगर आप अपने आप में चेंज नहीं करो तो लोग क्या बोलते हैं? बैकवर्ड जमाने का है. बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्योंकि आपको अपने आप को चेंज करना जरूरी है. अभी भी आप मान लो कपड़े लत्ते ना पहन के खाल वाल लपेट के आओ पत्ते वत्ते, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे लोग? हाँ, आदिवासी है. बोला आदिवासी क्यों बोलते हैं? मतलब जो पुराने जमाने के वासी हैं, आदिकाल के, वो लोग. इसीलिए आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो, सारी चीजें अपडेट करते जा रहे हो. तो क्यों ना हम अपने माइंड को अपडेट क्यों ना करें? करना चाहिए. एक कुमार था और उस कुमार ने मिट्टी को बढ़िया से तैयार करके, और उसने सोचा चिलम बनाता हूं मैं. चिलम, चिलम देखिए कौन सी कैसी आती है. हाँ, कईयों ने खींची भी होगी बढ़िया से, कईयों के पास होगी भी. तो उसने सोचा कि यार चिलम बनाऊंगा, सबसे बढ़िया है, लोग उसको खूब खरीदेंगे और पैसा आएगा. तो उसने चिलम बनाना शुरू किया. और चिलम बनाते बनाते उसकी मैडम ने पूछा, बोला क्या बना रहे हो? बोला चिलम. तो उसने, मैडम ने बोला कि ऐसा है, चिलम मत बनाओ,
आप इसे एक सुराही बनाओ, सुराही समझते हो, जिसमें पानी डालते हैं और ठंडा होता है पानी उसमें। तो बोला सुराही बनाओ। तो बोला क्यों बनाऊं मैं? बोला चिलम से क्या होगा, चिलम से तो नुकसान होगा ना, आप सुराही बनाओ लोगों का भला होगा। तो उसने मिट्टी को रौंदना शुरू किया वापस सुराही बनाने के लिए, चिलम को तोड़ के और मिट्टी को बनाना शुरू किया। तो उधर से मिट्टी से आवाज आई, क्या आवाज आई, आवाज ये आई कि तू क्या कर रहा है? बोला चिलम से सुराही बना रहा हूं। बोला मेरा मन चेंज हो गया। बोला तेरा तो मन चेंज हुआ है, मेरा तो पूरा जीवन चेंज हो गया, मेरा तो पूरा जीवन चेंज हो गया। तू अगर उससे चिलम बनाता तो मैं भी जलती रहती और लोगों को भी जलाती, लेकिन अब मैं सुराही बन गई तो मैं भी ठंडा रहूंगी और लोगों को भी। तो अपना माइंड चेंज करो। देखो एक का माइंड चेंज करने से कितने लोगों का भला हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? आप अकेले का माइंड चेंज कर लेना आज, और आपके एक माइंड से हजारों नहीं लाखों लोगों का जीवन बदलेगा। तैयार हो? तैयार हो? क्योंकि आप अकेले डायमंड थोड़ी बनोगे, आपकी टीम में भी तो डायमंड बनेंगे, और जब आपकी टीम में ढेर सारे डायमंड बनेंगे तो आपका जीवन चेंज हुआ, लेकिन लाखों लोगों का भी जीवन चेंज होगा। यस या नो? इसीलिए बोलते हैं कि नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। तो अपने माइंड को सेट करो, चेंज योर बिलीफ सिस्टम, चेंज योर बिलीफ सिस्टम। अब आज इस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में खतरा है? खतरा? हाँ जी, बोला बहुत दिक्कत वाला बिजनेस है। कितने लोग हार्ड मानते हो इसको? हाँ जी हार्ड तो मानते हैं। हाँ मैडम मान रही है, बोला हार्ड तो है। हाँ और भी मानते हैं, लोगों को लगता है, लेकिन अभी बोल नहीं रहे यहां पर है। हाँ नहीं, आपको लगता है हार्ड कुछ भी नहीं है, बाकी कईयों को तो पता है ना, तीन ज्वाइनिंग में पसीने आ गए थे, है क्यूएससी नहीं हो पाई थी बड़ी मुश्किल से, अभी भी कई तो ब्रॉन्ज में लटके पड़े होंगे। हैं बोला सर दो सेल क्लोज नहीं हो रही, परेशान हो गया, हार्ड लगता है, प्रॉब्लम लगता है ना कि यार बहुत मुश्किल है और रिस्क भी है। एक आदमी बोलता है मेरे को कि बहुत रिस्क है सर इस बिजनेस में, मैं क्या, हाँ रिस्क तो है, क्योंकि रिस्क ऐसा है कि इस बिजनेस को करने से आप करोड़पति बन जाओगे, ये वाला रिस्क है इसमें। तो ये रिस्क कैसा रहेगा है? अरे ऐसा रिस्क तो लेना चाहिए ना, जहां रिस्क नहीं है तो वहां मजा भी नहीं है। यस या नो? बोलते ना इश्क है तो, हाँ पता सबको है।